चलो ये कम हो सके। वैसे अपना बेटा थैंक यू वेरी मच, अच्छा आइडिया है। आप लोग भी जेंडर इक्वालिटी के हवाले से एफर्ट करें, लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि अगर हम अपने घर में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी जो है मतलब वालदा को, अपनी बेगम को चांस देंगे ना बाहर आने के लिए, उसको फैसिलिटेट करेंगे, तो हमें ये जहन में दिमाग में होगा कि यार मेरी बेटी भी वहीं पे है, मेरी बहन भी वहीं पे है, मेरी बेबी भी वहीं है, मेरी माँ भी वहीं पे है, तो हमें इस चीज को जो है आसान हो जाएगा लोगों को बर्दाश्त करना, असल में हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही। ठीक है जी, एनीवे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पानी का मैंने पहले भी बता दिया है, 2 से 2.5 लीटर पानी आपको या 3 लीटर पानी डेली चाहिए होता है, बेस्ड अपॉन योर वेट एंड बेस्ड अपॉन योर एक्टिविटी। बेटा इस हवाले से जो आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं वो यही है, जैसे सर ने पहले भी बताया है कि चोलिस्तान जैसे इलाकों में आप कुआं खुदवाने की कंपेन चला सकते हैं, लोगों के वसायल पूल करके कुआं बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जो शहरी इलाके हैं इसमें आप फिल्टर वाटर की फैसिलिटीज लगवाने की कोशिश कर सकते हैं, काफी सारे इलाकों में पहले ही फिल्टर लगे हुए हैं। अब बेटा चांस नहीं है, मेरे पास चांस नहीं है तो ओके क्लियर, तो आप लोग कोशिश करें कि इस तरह का कोई ना कोई प्रोजेक्ट जो है वो आप अपने इसमें इंक्लूड कर लें, मे बी फिल्टर वाटर प्लांट इज अ यूजफुल आइडिया। ओके नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड द सेवंथ ऑब्जेक्टिव, दैट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है बेटा, मैंने अपने घर में ना एक बहुत बड़ा सोलर सिस्टम नहीं लगाया हुआ, जस्ट तकरीबन 4 मैंने सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं। ठीक है, उससे ये है कि मेरी लाइट्स और पंखे वगैरह हैं वो सनलाइट के ऊपर चल रहे होते हैं, सनलाइट की मदद से चल रहे होते हैं, इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तकरीबन 6,000 रुपए की मेरा एक प्लेट आ जाती है। ठीक है, तो ये तकरीबन कह लो कि 30-35-40 हजार के अंदर अंदर जो है वो सारा सिस्टम बन जाता है। ठीक है, आपको पता है कि आपके कंट्री में ज्यादा बिजली पैदा हो रही है फॉसिल फ्यूल से, ठीक है, एंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल। आप अपने अपने घरों में कोशिश करें कि थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के ये प्लेट्स वगैरह जो है लगाएं और कम से कम अपनी सस्टेनेबिलिटी की तरफ आएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जी एकदम जो है 5-6 लाख रुपए का जो प्रोजेक्ट लगा लेते हैं, बेटा वो इतना यूजफुल नहीं है, वो लोग करते हैं एसी वगैरह चलाने के लिए या इस तरह पत्थर जो है वो घर का पूरा लोड चलाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उसकी कास्ट में इलेक्ट्रिसिटी के बराबर ही बन जाती है। सो आई डोंट सजेस्ट दैट, छोटा छोटा प्रोजेक्ट करें 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 वाला। ठीक है, और अपनी चंद जो अप्लायंसेज है जो आपकी लाइफ की जो बुनियादी जरूरत है, पंखे हो गए, लाइटें हो गई, इनको जो है वो आप इसके ऊपर जो है वो सोलर एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो इस पे आप प्रोजेक्ट्स बनाएं। आप कंपेन चला सकते हैं अपने मोहल्ले में कि आपके मोहल्ले में हर घर में सोलर हीटर हो, सोलर वाटर पैनल हो, सोलर जो है वो जो इस तरह की जो पैनल्स वगैरह हैं हर घर में लगे, तो लड़कियां लड़कियों के जरिए अपने मोहल्ले में ये बात फैला सकती हैं, लड़के जो है वो आपस में मिलजुल के अपने मोहल्ले में कंपेन चला सकते हैं कि वी नीड टू इंश्योर वी हैव ग्रीन एनर्जी इन ऑल आवर स्ट्रीट्स। ओके क्लियर, कोशिश करें, प्रोजेक्ट्स आपके और भी होंगे लेकिन अब टाइम निस्बतन कम है। देन इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा आपने देखा होगा कि ये जो कम आमदनी वाले लोग हैं, 400 रुपए दिहाड़ी, 800 रुपए दिहाड़ी, ये कौन है, वो जो वजन उठा रहे होते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम कर रहे होते हैं, ईंटें उठा के लेके जा रहे हैं, घर बना रहे हैं, दीवारें चुन रहे हैं, सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम ये है। उसके अलावा 10,000-12,000 रुपए तनख्वाह किसकी है, कि जो दफ्तरों में सफाइयां कर रहे हैं, गटर साफ कर रहे हैं, लोगों को पानी ला के दे रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है ये। क्या हम लोग थोड़ा सा उनको हुनरमंद करके, किसी को खाना पकाना सिखा के थोड़ा सा बेहतर आमदन में नहीं ला सकते? अगर किसी को हम सिलाई करना सिखा दें तो क्या उसकी आमदन बेहतर नहीं हो जाती? ईद के दिनों में 40-40, 50-50 सूट मिल जाते हैं। इससे बेहतर जैसे कि कंप्यूटर वाला जो वर्क है आजकल इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है, क्या हम थोड़ा सा किसी को सिखा के उसकी आमदन और उसके वे आप देन है बेटा के इट्स इंडस्ट्री इनोवेशन एंड रीस्ट्रक्चर। तो ये एक्चुअली बेटा टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, इसमें एडवांसमेंट है। आप देखें कि एसी बना आज से तकरीबन कोई 100 साल पहले, कंप्रेसर बना, कंप्रेसर की बुनियाद के ऊपर फ्रिज बने, एसी बने, तो उससे फूड जो है जो एक दिन में खराब हो जाती थी, वो एक दिन की फूड जो है वो 6 महीने या साल तक चलने के काबिल हो गई। फॉर एग्जाम्पल चोलस्तान या थर वाले इलाके जहां पे फूड पैदा ही नहीं होती, तो आप लाहौर या शेहूपुरा में फूड उगा के चोलस्तान या थर में
पहुंचा सकते हैं, ऐसे इलाके जहां पे वो फैसिलिटी नहीं है पहुंचा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई ना, ये किसने की? ये आप लोगों ने की। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन लेंगे, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन लेंगे, तो आप एक जगह की चीज को दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, आप फैसिलिटेट हो सकते हैं। तो कोशिश करें, आप में से जितने भी बच्चे हैं कोशिश करें। हमारा टारगेट होता है जी मैं एमए साइकोलॉजी कर लूं, हमारा कोशिश होती है मैं एमए जूलॉजी या एमए बॉटनी कर लूं, बेटा टेक्निकल फील्ड की तरफ आए। मुल्कों के दरमियान इस अदम मसावात में कमी लाना, रिड्यूस इनइक्वालिटी। बेटा एक चीज ध्यान में रखें, अगर आप ताकतवर नहीं है ना, तो कोई भी ताकतवर मुल्क आपकी बात नहीं सुनेगा। तो ताकत कहां से आती है? इंडिविजुअल से। आप अपने लेवल के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रांग बनने की कोशिश करें, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ लाएं, अपनी एजुकेशनल स्ट्रेंथ लाएं, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग ग्रूम कर जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वर्थ बन जाएगी। चाइना की मिसाल आप लोगों के सामने है, और दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज हैं कि जो आज से 30 साल पहले गरीब तरीन लोग थे, उन लोगों ने वक्त के साथ साथ तरक्की की, एजुकेशन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, और अपनी पॉलिसीज की वजह से। आप लोग इस हवाले से कोलैबोरेट करें, पॉलिसीज बनाएं, कोलैबोरेट करें, अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश करें, तो आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड में आपकी बात भी सुनी जाएगी। अदरवाइज ये आप लोगों के लेवल का काम नहीं है कि वर्ल्ड में अपनी बात सुना सकें या दुनिया की जो अदम मसावात है उसको दूर कर सकें। ये चीज है, और किससे आनी है? आप लोगों से। आप लोग इसके जो है सेंट्रल पीपल होंगे, आप लोग स्ट्रांग होंगे अपने इलाकों में, अपने घरों में, अपने कंट्री में, तब आपका जाके कंट्री दुनिया में स्ट्रांग होगा, तब जो है वो मसावात जो है कंट्रीज के दरमियान आएगी। नेक्स्ट है बेटा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। देखें ये अभी जो हम सारी बातें कर रहे हैं, एक्चुअली अपने सिटीज को ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सिटी का मतलब गांव भी है, ठीक है? तो हम ये सारी चीजें अपने सिटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, सस्टेनेबल एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हैं, हंगर को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वेस्टेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, चैरिटी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एनर्जी को ग्रीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली आपके सिटीज को ही, आपके शहरों को बना रही है ना। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। अब आप देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जो है वो 2 ड्रेसेस में गुजारा हो सकता है और मैं अफोर्ड करता हूँ 50 ड्रेस, तो क्या जरूरी है मैं 50 ड्रेस खरीद लूं कि जो मैंने साल में एक दफा भी नहीं पहनना? जो 13th नंबर SDG है, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन ये माहौल के हवाले से, ठीक है जी। लाइफ अंडर वाटर। सब लोगों को पता है कि हमारी जो लाइफ ऑन लैंड, तो बेटा इसी